नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलना, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। अपराध और अपराधी चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पुलिस का डंडा देखकर सबकी पैंट गीली हो जाती है। पुलिस की गिरफ्त में आकर ये अपराधी ऐसे गिड़गिड़ाते हैं और रहम की भीख मांगते हैं जैसे कि उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं। आज के इस खबर में हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक ऐसे ही अपराधी के बारे में बताएंगे, जो गिरफ्तारी के पहले तो इंदौर में एक बड़ी वारदात करके फरार था और गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अकड़ दिखा रहा था, लेकिन पुलिस का डंडा देखकर उसे ऐसा सदमा लगा कि वो पुलिस के डंडे के डर से थाने में छिपकर बैठ गया। हम जिस बदमाश की बात कर रहे हैं उसका नाम है हेमू ठाकुर, जो काफी लंबे समय के बाद अब पुलिस की रडार पर आया है। हेमू ठाकुर के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, और जिस अपराध को अंजाम देकर यह फरार हुआ था उसका पूरा वीडियो हमने पहले बनाया था, जिसे 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा भी था। अगर आप हेमू ठाकुर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और इस पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो आपको इस खबर का पहला पार्ट जरूर देखना पड़ेगा, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। दरअसल आज से 6 महीने पहले इंदौर में शराब सिंडिकेट ऑफिस में हुए गोलीकांड में आरोपित हेमू ठाकुर, जो विजयनगर थाना पुलिस के रिमांड पर आ चुका है, उसे क्राइम ब्रांच ने लसोड़िया इलाके की एंजल पार्क कॉलोनी से गिरफ्तार किया। हेमू ठाकुर थाने में वीआईपी सुविधाओं को लेने के लिए नेताओं से फोन लगवा रहा था, लेकिन पुलिस वालों को दूसरे अपराधियों की पिटाई करता देख वो हवालात में छिपकर बैठ गया। आरोपित हेमू ठाकुर की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जबकि वो अपने एक साथी के साथ नेपाल भाग गया था। दिवाली पर वो इंदौर आया और अलग अलग इलाकों में किराए का मकान लेकर रहने लगा। कुछ दिन पहले उसने फिनिक्स टाउनशिप में एंजल पार्क में एक मकान लिया और क्राइम ब्रांच उसके पास पहुँच गयी। आरोपित को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिनों के रिमांड कर दिया गया है। वो हवालात में नहीं रहना चाहता, इसीलिए ऑफिसरों पर नेताओं से दबाव बनाने लगा। थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट की चाह में बैठा हेमू उस वक्त दंग रह गया जब पुलिस वालों ने बाहर बैठे एक अन्य अपराधी की पिटाई की। हेमू ये देखकर घबरा गया और उसके बाद वो खुद ही हवालात में जाकर दुबक कर ऐसे बैठ गया जैसे कि कोई बकरी मियाने लगती है। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर स्थित शराब के दुकान से जुड़ा हुआ है। आरोपित हेमू ठाकुर और उसका भाई चिंटू ठाकुर एक दुकान को हथियाना चाहते थे। दुकान अभी तक अर्जुन ठाकुर नामक एक व्यक्ति चला रहा था। अर्जुन ने हेमू और चिंटू के आदमियों की पिटाई भी की थी। आरोपित गैंगस्टर सतीश भाव को लेकर शराब सिंडिकेट ऑफिस में मीटिंग करने गए थे और बातचीत के दौरान अर्जुन ठाकुर पर गोलियां चलाई थी। अब हेमू कह रहा है कि गोली उसने नहीं बल्कि उसके भाई चिंटू और गैंगस्टर सतीश भाव ने चलाई थी। फिलहाल पुलिस अब उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, लेकिन कौन था अर्जुन ठाकुर जिसके दुकान को हेमू ठाकुर हत्या कर बनना चाहता था माफिया? डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।